जाने दे, पहले आने दे, गाड़ी नहीं जाएगा, पीछे लो, पीछे लो। ये सेटअप कैमरा के में, अरे कौन है लाइट को पीछे, अरे पीछे रुको ना, अरे पीछे ना, पीछे से लेना, पीछे कब दिया भाई, आगे नहीं कोई जाएगा। जाना है मत इसी रहने बेचारे इसको हिलो मत अभी बिल्कुल अनिकेत दिल मत भाई तो मना जो साइड जाना नहीं रुक इधर दिशा जी आगे दिशा जी दिशा जी आगे दिशा जी आगे दिशा जी आगे अरे कंचन बोलो ले लो अरे मैम तो बुलाए क्यों है चलो फिर मत जाए मत मारो छोड़ दो मत मारो मत मार अरे रोल 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 अरे भाई मैडम को भी बुला लो एक फोटो के लिए टाइगर एक फोटो के लिए बुलाओ ना टाइगर सर वेट कर रहे हैं उनको प्लीज टाइगर टाइगर सर बुला लेना मैडम को दिशा जी के साथ एक फोटो दे दो ना सर है सर है वहाँ पे ही है सर है उधर ही खड़े सर आपके लिए रुके लिफ्ट के लिए दो मिनट लगेगा दो मिनट लगेगा दो मिनट के बुलाएं सर सर प्लीज सर साथ में सर 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 एक घंटे से रुके अगर भाई आपके फोटो के लिए रुके थे सर दोनों का प्लीज सर आप बोलेंगे तो आ जाएंगे सर प्लीज ना बोलो ना एक बार एक बार सर आप बोलेंगे तो आ जाएंगे वो सर हम लोग कभी इतना रिक्वेस्ट नहीं करते प्लीज सर सर ट्राई नहीं सर लेके आओ सर सर प्लीज इतना लंबे मत कराए उधर ही कराए नहीं आए उधर ही खड़ा उधर ही खड़ा है पांडे आप भी लगेगी आज सामने सामने इधर थैंक यू टाइगर भाई थैंक यू टाइगर भाई थैंक यू सुपर सुपर हिट टू हिट है हां और चले और भारत भी चले साथ में चलो नहीं Sir, first of all, a big, big congratulations. The trailer has got a huge response and also this song. So, what kind of responses are you getting until now from your friend, paternity of our industry? Well, a lot of love, a lot of appreciation, and very grateful that, you know, people are spreading the love and, you know, in fact, even making memes of our trailer and stuff like that. So, it's fun. It's fun watching all of that. Yeah. Okay, then, ma'am. For me, I think my favorite response has to be that of my father's because that was one that I was looking forward to the most because he hadn't seen anything of the film. So I'm just really happy. He's so excited and yeah, I think that's the most important, what's the word? Like reassurance feedback, or yeah. feedback that I needed and I got it. Okay, Tara ma'am? I think there's nothing better than getting great feedback, especially when it's your first film. Yeah. And so we're just so grateful and excited to see what people say. If this is their reaction to the trailer, I'm dying to see what they have to say about the film. Okay, this movie is the second part of Student of the Year. So what was the most challenging part of your? Mine was dance for sure. I think keeping up with both of them because they're both such trained and they're such good dancers. So for me, dancing was the most important. But I'm lucky that in my first film only I had to like, you know, scale up and match up to their level. So now I'm, yeah. So what's the most funniest, meme that you've come across? Funniest meme? There are quite a few. I like the one where the two of us are entering some costume party as Marvel and DC, you know, Spider-Man and Wonder Woman. Yeah, both of them are from different. That was really funny. Yeah. One's from Marvel, one's from DC. Yeah. So I thought that was funny. That was funny.
मैं भाई कभी कॉलेज गए नहीं, तो मुझे मौका मिला दोबारा कॉलेज जाने की, तो यू नो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एक ऐसा कॉलेज जाने का मौका मिला जहाँ पर पढ़ाई बहुत कम होती है. तो यू नो आई जस्ट आई फेल्ट यू नो इट वाज ग्रेट. आई वुड लव टू बी इन अ कॉलेज व्हिच इज़ फुल ऑफ कंपटीशन और स्पोर्ट्स और नाच गाना बहुत है, तो मज़ा आया सर. थैंक यू. आई थिंक ज़्यादातर इम्प्रोवाइजेशंस सेट पे होते रहती है. जैसे कि आप मेरे साथ बागी में थे तो आपको याद है हम सेट पे भी कुछ कुछ चेंजेस करते थे. तो डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी या सेट का माहौल या आपके को एक्टर्स जिस तरह वो रिएक्शंस दे रहे या डायलॉग क्यूज दे रहे, आई थिंक दैट्स हाउ वी सॉर्ट ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एंड या. आई थिंक ऐसे तो काफ़ी काफ़ी मोमेंट्स थे. मुझे याद है जब हम लोग एक्चुअली आई वुड से हमारी फिल्म की जो मुहूर्त शॉट था, आई थिंक दैट वाज वो काफ़ी यादगार है, खासकर क्योंकि इट वाज द फर्स्ट शॉट ऑफ द थ्री ऑफ अस इन अ धर्मा फिल्म, देयर फर्स्ट एवर शॉट. तो आई थिंक द मुहूर्त शॉट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू. Okay, Tiger sir, the ex-student Alia Bhatt has done a special song, Hookup. So, how was the experience for you? बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा और यू नो आई गॉट टू सी आलिया वर्क लाइव विच वॉज अ ट्रीट फॉर मी. काफ़ी इंस्पायरिंग था क्योंकि बहुत इतना सक्सेस होने के बावजूद भी इतनी अभी भी इतनी मेहनती है और इतनी सिंसियरली हर कुछ करती है, यू नो जस्ट हर वर्क एथिक एंड द वे शी यूज टू रिहर्स और हाउ फोकस्ड शी इज़ ऑन सेट, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगा मुझे. Okay, and then do you feel pressurized because you come from a filmy background and you have a pressure? Do you feel any pressure? I think I do because my dad has such good comic timing, so I think that's something that I always hear, that did you inherit that comedy from your dad? And my character in the film is also pretty funny and she gives these one-liners, so I think pressure is there, especially in the comedy department, which I'll try to hopefully live up to. I think you're pretty funny though. Thanks. You've done a good job. Thank you. Good evening, Hi, sir. Congratulations. Thank you, it's hardly 7 days to go now. Yes, yeah. Too soon. Yeah. Are you ready for the big turnaround in your life? Mother, for the two girls? I mean, I don't think you can ever prepare yourself for something, you know, as big as this. The build-up to this film has been so special and so magical. I don't think we expected any of what we're, you know, what we've already received. So we're so grateful for all of that. I think, you know, every day there are little changes that happen. And it's very new and fun and exciting. And I'm looking forward to seeing what the next month has in store. Like yesterday, we went to Jaipur to that mall. Yeah. And I think that was the first time Tara and I had seen so many people. So and we just couldn't speak. You know? So I think we're really just excited. Very overwhelmed. Yeah. Tiger, आप इनको कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि probably ये process आपके समय भी आया था. तो since they are having the first day, first Friday of their life, in terms of releasing, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि this is the beginning of some of the best days of your life and just want to say all the best and don't take everything to your heart so seriously, and there will always be, you know, ups and downs in your life, but I pray that this is just going to be a big up in your life and a good start to both your lives. सलमान खान ने कहा है कि लाइक जब वो किसी को बातें कहते हैं तो दे से कि लाइक इफ यू कैन मैच अप टू द हार्ड वर्क ऑफ मिस्टर टाइगर श्रॉफ देन ओनली यू थिंक अबाउट कमिंग इन फिल्म्स. वाओ ओके. सो आपको सलमान सर ने कहा मेरे बारे में? जी जी जी. वाओ दैट्स कूल. जब चीजें आपके आपकी प्रतिभा के लिए कही जाती हैं
बहुत अच्छा फीलिंग है, पर अभी ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ी है क्योंकि मुझे बार बार उस चीज़ को साबित करना पड़ेगा और बार बार मुझे डिलीवर करना पड़ेगा रिजल्ट, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अगर आप कह सकते हैं, एज स्टूडेंट्स वी कैन से दैट. बट दैट्स वेरी वेरी स्वीट ऑफ सलमान सर टू थिंक कि मैं हाउ यू से उसका लायक हूँ. हालांकि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता कि बहुत सारे मेहनती आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं जहाँ मेरे से बहुत आगे है. पर जस्ट द फैक्ट दैट सलमान सर सेड दैट अबाउट मी मेक्स यू नो दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी. तो उसकी बेस्ट क्वालिटी है सबसे, ह्यूमिलिटी. हमें थोड़ा आभास होता है लेकिन आप तो साथ में रहे हैं तो ज्यादा मालूम है. हकीकत है सर. हां, सो देयर वाज अ बज दैट इन द फायर दैट हैपेंड एट धर्मा प्रोडक्शंस गो डाउन सम प्रॉप्स ऑफ द लेटेस्ट अपकमिंग फिल्म गॉट बर्न्ड. सो व्हिच फिल्म? लाइक एसओटी. एसओटी वाज रेडी. I hope not. Well, I did what about our film? No. I heard. No, but overall, that's a very unfortunate thing. Yeah. And I'm sure that you know there were a lot of valuables and all that have unfortunately been perhaps lost. But that's very sad. Terrible. Yeah. अनन्या ना आप लोग मतलब जैसे फिल्म रिलीज से पहले स्टार्स बन चुके हैं, like people are loving and you must have seen the euphoria you both have created with the fans and the social media. How do you take these things? It's very flattering for the both of us that before our film people like us, but I really hope that it translates and materializes and people actually watch our film, because we're here to act at the end of the day. And I really hope that people like us as actors and they like our film as well. But having said that, I think it's very exciting. I think not many people get to experience so much at once, and I think that's definitely one of the ups of being in this profession and also being an actor with Dharma. And we're very very blessed and lucky to be getting this kind of, you know, already getting a certain amount of appreciation that we're very grateful for. Yeah. Photographers, no, it's they're very sweet, so all sweet. Of them. I think we've become friendly now, so it's nice. It's yeah, they're sweet. Very nice. It's exciting. And they're doing their job. They are sweet. Of course, we'll maintain. Yeah, no, they're very kind. Sabka kaam dhanda chalna chahiye. Yeah, I think they're all so nice. Yeah. उन्होंने कोई एडवाइस नहीं दी क्योंकि उन्हें पता है कि उनका टाइम बहुत अलग था, तो उन्हें लगता है कि अभी वो अप्लाई नहीं कर सकते. पर आई थिंक मैंने बहुत उनके बिहेवियर से सीखा है, उनके सक्सेसेस और फेलियर्स की वजह से वो कभी नहीं बदले. तो आई थिंक मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी जोक्स इतनी आसानी से लेने हैं जैसे वो लेते हैं. वो हमेशा खुद पर जोक्स क्रैक करते हैं, तो आई वांट टू ग्रो अ थिक स्किन लाइक हिम. एंड या I think मैं दीपिका और प्रियंका को I really look up to both of them as women and as working professionals in our industry. I feel like as women they're really strong and empowered women with their choices in film, whether they're producing film, whether they're in India or abroad. I think there's a lot to look up to in that sense, and so definitely Deepika and Priyanka. Mine are Alia and Kareena. I love Alia and Kareena, and I think that the kind of films that they do and the kind of actors that they are is something that I aspire to be. So hopefully one day. Okay, time is remix. Remix का time है. गानों के remix हो रहे हैं, फिल्मों के remix हो रहे हैं. जैकी सर की कोई एक film जो आपके दिल के बेहद करीब हो और आपको लगता हो कि ये किरदार मैं कभी play कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी. यार मैं चाह के भी नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि उनकी कोई एक फेवरेट फिल्म जो आपके दिल की बेहद करीब हो. परिंदा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, पूरी पिक्चर, खासकर पापा का किरदार कर नहीं पाऊँगा. पर अगर आप पूछ रहे हो तो हाइपोथेटिकली इमेजिन कर सकता हूँ. आई वुड लाइक टू